अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है क्या सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उस रेसिपी का नाम है बेसनी फिश फ्राई। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। तो चलते हैं प्रॉपर अपनी रेसिपी करते हैं स्टार्ट। बेसनी फिश फ्राई बनाने के लिए हमने हाफ केजी फिश ले ली है। इसे हमने नमक और लेमन डाल के इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और उसको हमने एक प्लेट में कन्वर्ट कर लिया है। इसकी हम करेंगे मैरिनेशन। बेसनी फिश फ्राई बनाने के लिए हम बॉल ले लिए। बॉल के अंदर हम ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बेसन। यहाँ देख सकते हैं 3 टेबलस्पून यहाँ हमने बेसन ऐड कर दिया। इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करते हैं। 1/4 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक। चाट मसाला 1 टीस्पून, चिल्ली फ्लेक्स, हल्दी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/4 टीस्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ देख सकते हैं 1 अदद हम लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके हमने बीज निकाल लिए हैं, ये देख सकते हैं। और डाल रहे हैं हम पूरा 1 अदद लेमन जूस ऐड करेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर, ताकि आप बेसनी फिश फ्राई का कलर बहुत ही मज़ेदार आए, बहुत ज़्यादा अच्छा आए। और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसे हम अच्छी तरीके से करेंगे मिक्स। देख सकते हैं हम अच्छी तरीके से मिक्स कर रहे हैं इसे। स्पाइसेस डाल के इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। इसको हम फिश को ऐड करेंगे 1 बाय 1 करके और इसे इसके अंदर फिश का पीस ऐड अच्छी तरीके से अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तमाम जगहों पे इसके अच्छे तरीके से हम अप्लाई कर देंगे। ये देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अप्लाई कर लिया है फिश के ऊपर। इसी तरीके से तमाम पीसों को हम कर लेंगे मैरिनेट। इसी तरह तमाम पीसों पर मसाला लगा लेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। सकते हैं हमने इसे अच्छी तरीके से मसाला लगा लिया है, सबसे अच्छी तरीके से। ये देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से मसाला अप्लाई हो चुका है तमाम फिश के पीसेस पे। इसको हम करेंगे मैरिनेट 10 से 15 मिनट के लिए, रेस्ट के लिए रखेंगे। फिर हम करेंगे फ्राई। फिश फ्राई को 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, इसको मैरिनेट करने के लिए रखा था फ्रिज के अंदर। ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है, इसको हम करते हैं अब फ्राई। यहाँ देख सकते हैं बेसनी फिश फ्राई बनाने के लिए यहाँ हमने कढ़ाई ले, कढ़ाई के अंदर हमने हसबी जरूरत ऑयल ऐड कर दिया, वो अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। इसमें ऐड कर देंगे मैरिनेट की हुई फिश 1 बाय 1 करके। यहाँ देख सकते हैं हमने फिश ऐड कर दिया 1 बाय 1 करके। इसे हम अच्छी तरीके से फ्राई हो रही है। इसे हम गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे, एक साइड से ही कुक हो जाएगी तो उसके साइड को कर देंगे हम चेंज। बहुत ही मज़ेदार इसमें तो खुशबू आ रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है बेसनी फिश फ्राई। अब इसकी साइड को हम कर रहे हैं चेंज। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर आता जा रहा है, ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया इसका। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं, इसलिए आपको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा मछली का इस्तेमाल रखें। और क्योंकि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार चल रहा है, इसलिए मछली ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें और हेल्दी रहें। इतनी फिश फ्राई अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके, दोनों साइडों से बेहतरीन सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इसी तरह तमाम बैच को हम फ्राई करते हैं, उसका डिश आउट करने का दिखाएंगे इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं बेसनी फिश फ्राई हो चुकी है कंप्लीट रेडी। इसे हमने सर्व किया है ग्रीन चटनी के साथ। आप इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं इसे, और ग्रीन रायते के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर है, बहुत ही जायकेदार है और फिश से हटके है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। और सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा 4 चांद लगा देंगे और आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।